मेरा नाम है सारिका सक्सेना। करना है या होने देना है, हम सबकी एक सोच बनी हुई है कि कुछ करना है। वी वॉन्ट टू डू समथिंग, दैट मीन्स टू अचीव समथिंग वी नीड टू स्ट्रगल। तो कुछ करने के लिए हमें मेहनत करनी है, बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारा काम करना है। तो लड़ाई इसी चीज़ की चलती है कि करना है या होने देना है। आपको याद है कि जब आपकी लाइफ में जो चीज़ें घटी वो आपके करने से हुई हैं या होने देने की वजह से हुई हैं? कभी सोचा है इस पे आपने? तो ये जो चीज़ें हम जो फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो घटती है हमारे साथ, आपका कुछ अचीवमेंट है तो हम कहते हैं कि हमने इतने साल स्ट्रगल किया। पर कभी सोचा है कि वो चीज़ कब मिली थी? जब स्ट्रगल करना छोड़ दिया था। थिंग्स ऑलवेज आर एफर्टलेस, वी गेन थिंग्स एफर्टलेसली, वी कैन। सो वी नीड टू चेंज दिस माइंडसेट, इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। जो सांस आ रही है हमारे अंदर, जो सांस आ रही है, वी आर ब्रीदिंग। सो इज़ इट विद एफर्ट्स और इज़ इट एफर्टलेसली कमिंग एंड गोइंग? कैन यू आंसर टू मी? तो ये जो सांस आ रही है अंदर, इसको लेने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, इसको छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, या अपने आप ही आ रही है और जा रही है? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, आपकी सांस, वो करने से हो रही है या अपने आप ही हो रही है? क्या हमें जानबूझ के सांस लेनी पड़ती है? तो क्या ये चीज़ आपके जीवन पे एप्लीकेबल नहीं है? जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, वो अपने आप ही आ रही है और अपने आप ही जा रही है। तो आपकी ये सोच कहाँ से बनी कि कुछ करने से होता है? कुछ करना है, पर वो करना किस प्रकार का है, वो किस तरह का करना है? बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि उनके काम नहीं होते, वो कुछ भी करते हैं वो फेल हो जाते हैं, या मैंने इतने साल स्ट्रगल किया और उसके बाद वो चीज़ मुझे मिली। तो इसके पीछे सच क्या है? कभी जानने की कोशिश की है कि हमें कितना पकड़ना है और कितना छोड़ना है? हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में पतंग उड़ाई है, ओके? तो ये जो पतंग हमने उड़ाई है, उसकी क्या टेक्निक होती है? जिसने भी पतंग उड़ाई है उसे पता है कि अगर पतंग बहुत दूर आकाश में जाती है तो वो कैसे जाती है? कभी आप उसको ढील देते हैं, आप उसको जाने देते हैं, आप उसको लूज छोड़ते हैं, जो धागा है पतंग का, और कभी आप उसको खींचते हैं। दिस इज़ द बैलेंस, दिस इज़ वेयर द थिंग्स कम्स। तो कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो उसको एफर्टलेसली होने दें, यानी कि अपनी पतंग में ढील दें। हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं। अगर किसी ने आपके साथ हैंडशेक किया, आपने भी हैंडशेक किया, अब आप उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे, तो वो दूर कैसे जाएगी? वो दूर कैसे होगा? आप उससे चिपक जाते हैं, आप उसको जाने ही नहीं दे रहे। इसी तरह आपकी एनर्जी होती है जो इस तरह से काम करती है। कोई भी चीज़ जो मैनिफेस्ट होती है, जो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक, जो फिज़िकल फॉर्म आप देख पाते हैं, तो सबसे पहले तो वो एनर्जी के रूप में है, आपके एक थॉट के रूप में है। आपको एक थॉट आया कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या मेरी ये डिज़ायर है, तो आप क्या करते हैं? एक आइडिया आया आपको, अब उस आइडिया को आपने करके छोड़ दिया, भूल गए, या आप उसके पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। तो जो आइडिया आया है, वो एनर्जी जो आई है, वो थॉट के रूप में है, आपको उसे जाने देना है, आपको उसे छोड़ देना है। जब आप उस एनर्जी को छोड़ते हैं तो वो मटेरियलाइज होके वापस आपको मिलती है। आपको कार लेनी थी, वो सिर्फ आपके दिमाग में है, एक आइडिया के रूप में, मुझे कार लेनी है या मुझे घर लेना है। पर कैसे होता है अचानक एक दिन आपका घर बन जाता है?
वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है जो आप उस पर करते हैं, जो एफर्ट्स आप लेते हैं, आप उसको एफर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद है, जैसे आप बहुत प्यार से कर रहे हैं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने उसमें कोई एफर्ट लिया है। तो ऐसे ही चीज़ें आपके पास वापस आती हैं, पहले वो थॉट के रूप में होती हैं, एक विचार होता है, उसके बाद जब आप उसको जाने देते हैं तो वो आपको मटेरियलाइज होके प्रत्यक्ष रूप में आपको आपके पास आ जाती है, पर आपको छोड़ना आना चाहिए, आपको हाथ छोड़ना पड़ेगा, एनर्जी का हाथ आपको छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो जाए और मल्टीप्लाइड होके आपके पास वापस आए प्रत्यक्ष रूप में। तो क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि किस तरह से आपके काम होते हैं? अचानक ही एक दिन खबर मिलती है कि ये काम आपका हो गया, या सरप्राइज़ आपको मिलता है कि ओ यू यू रिसीव सम सरप्राइज़, यू गेट सम सरप्राइज़, अचानक से ही चीज़ हो गई। तो जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया था, लेट गो किया था कि भाई नहीं हो रहा काम, ठीक है जाने देते हैं, लेट इट गो, भाड़ में जाए, आप बोलते हैं भाड़ में जाए, उसके बाद से ही वो चीज़ बनने लगती है, तैयार होने लगती है, और अचानक से एक दिन आपके सामने आती है और आप बोलते हैं कि इसके बारे में तो आप भूल ही गए थे, और अचानक से आपके सामने आती। तो ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही एनर्जी काम करती है। ध्यान दीजिए इस पे कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको एक विचार आता है, आपने उस विचार को पकड़ के रखा है या आपने उसको जाने दिया है? तो वही कारण है कि आप जब ओवर थिंक करते हैं तो कोई चीज़ बनती नहीं है, और सिर्फ आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन देके जाती है। तो हमें चीज़ों को छोड़ना आना चाहिए, और ये बिलीफ रखना है कि वो होने ही आई है। कोई आइडिया आपके पास आया है तो वो होने के लिए आया है, वो आपसे भाग जाने के लिए नहीं आया, पर आप उसको पकड़ के रखते हैं, आपने उसकी एनर्जी को पकड़ के रखा है, आप उसको जाने नहीं दे रहे। तो जाने दीजिए, अपने जीवन से उन विचारों को जाने दीजिए जो अच्छे नहीं हैं, अपने जीवन से उन आइडियाज़ को जो आए हैं उन्हें जाने दीजिए, वो मल्टीप्लाइड होके आपको प्रत्यक्ष रूप में आपको आपके सामने आ जाएंगे। अपने जीवन से लोगों को जाने दीजिए, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती मत रखिए, वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पाएगा, वो चीज़ चल नहीं पाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में लेट गो करना सीखें, चीज़ों को, लोगों को जाने दें, ताकि वो हमारे पास वापस आ सकें। अगर वो है हमारे लिए तो वो आएगा, और ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। तो इसको करके देखें, ये एक एक्सपेरिमेंट है, अपने लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट बनाएं, अवेयर रहें, सजगता रहे आपके अंदर, जागरूक रहें आप इसके प्रति। और जब आप इसको करके देखेंगे तो देखेंगे कि ये गेम की तरह है, ये एक फ़न गेम की तरह है, आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़न फील होगा। किसी चीज़ को करते वक्त अगर फ़न महसूस नहीं हो रहा है तो सही नहीं जा रहे आप। किसी चीज़ को करते वक्त अगर आपको फ़न महसूस हो रहा है, आप उसके प्रति, आपको एक उत्सव का भाव है, अच्छी फीलिंग है, तो सही हो रहा है। तो इसे करके देखें, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में करके देखें, आपको पता चलेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो होने लगेगा। तो इस वाली जो जो माइंडसेट है, जो पुरानी माइंडसेट है, जो उसको उसको छोड़ें, अपने लाइफ से चीज़ों को जाने दें, अपने लाइफ से लोगों को जाने दें, और फुल फीलिंग के साथ, फुल फेथ के साथ, अगर आपको लगता है कि ये होगा तो होगा, अगर आपको नहीं लगता तो नहीं होगा। तो चीज़ों को पकड़ के ना रखें, ज़बरदस्ती उन्हें अपने लाइफ में पकड़ के रखने की कोशिश ना करें। आपको काम भी इसी तरह से ही मिलता है, जब आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो आपको वो काम मिलता है, वो हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आपका उससे अटैचमेंट नहीं है। जब भी अटैचमेंट होगा तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अटैचमेंट को त्यागें, अपनी इस अटैचमेंट वाली मानसिकता को त्यागें, लीव द थॉट ऑफ गेटिंग अटैच्ड, बट यू नीड टू हैव दैट कनेक्शन विद पीपल, विद थिंग्स अराउंड यू, जो चीज़ आप चाहते हैं उनके साथ आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं। सो अटैचमेंट इज़ ऑलवेज बैड, सही नहीं है, करके देख लीजिए, आप तो करके देख ही रहे हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। सो करके देखें इस एक्सपेरिमेंट को, कुछ सोचा, अच्छा लगा,
उसे होने दें आप, आपको रास्ता अपने आप प्रकृति दिखाएगी, करके देखें।